कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स है, एंड कॉन्टैक्ट विद द कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी 20 माइनस होगी, कंकेव है, तो क्या करना है, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन भी, टोटल पावर होती क्या है, पी वन प्लस पी टू। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था कि अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आप इसको 100 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर्स में, या सीधा फॉर्मूला लगा दें 100/25, क्योंकि वो 25/100 ऊपर चला गया ताकि मीटर में कन्वर्ट किया, तो 100/25 इधर से 100/20 लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि एक कन्वेक्स है एक कंकेव है, एक कन्वेक्स है एक कंकेव है, तो टोटल जब ऐड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 डायोप्टर है, ओवरऑल पावर नेगेटिव है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग लाइक कंकेव, ओवरऑल पावर नेगेटिव का मतलब कंकेव की तरह कॉम्बिनेशन है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है? तो अगर तो फोकल लेंथ मीटर्स में गिवन है फिर तो 1/f कर देना, पर अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो 100/f कर देना। तो फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? जैसे क्वेश्चन चेंज हो गया, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 कर दी है, कंकेव की इस बार 25 कर दी, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन बताओ। तो अब कन्वेक्स की 20 कर दी, कंकेव की 25 कर दी, कंकेव की नेगेटिव और कन्वेक्स की पॉजिटिव, सॉल्व करके टोटल आंसर क्या आया, 1 डायोप्टर पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब कॉम्बिनेशन कैसे एक्ट कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस। तो समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पुट करने और ओवरऑल पावर कैसे निकालनी है? तो स्ट्रेट फॉर्मूला है, P1+P2 करेंगे आंसर आएगा। जैसे दो लेंसेज हैं, एक ही पावर P1 है एक ही पावर P2 है, इसका मतलब एक कन्वेक्स है और एक कंकेव है, पावर निकालो कॉम्बिनेशन की नई लेंस की क्या होगी। तो टोटल पावर क्या है, P1+P2, P1 पॉजिटिव है P2 नेगेटिव है, इक्विवेलेंट पावर कितनी आ गई, 5 डायोप्टर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब कि इन दोनों को कंबाइन करके तुमने नई पावर कॉम्बिनेशन की 5 डायोप्टर निकाल दी, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हुई कॉम्बिनेशन की, क्योंकि ये मीट ये डायोप्टर है, इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे डायोप्टर का तो मीटर में आंसर आएगा, ऐसा है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई। वो कह रहे इस कॉम्बिनेशन पे मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, यू बताओ क्या हो, ताकि वर्चुअल इमेज बन जाए जिसकी मैग्निफिकेशन 2 हो। वर्चुअल में मैग्निफिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव, रियल में मैग्निफिकेशन क्या होती थी, नेगेटिव, ये मैंने लिखवाया था पिछली बार, रियल में नेगेटिव और वर्चुअल में पॉजिटिव। तो वर्चुअल में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, आपको यू निकालना है, आप एम और यू का फॉर्मूला नोट कर, ये हमने लास्ट टाइम किया था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव पुट कर दें, फोकल लेंथ आपको मैंने निकाल दी 20 है और यहां से यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -10। मतलब अब लेंस का कॉम्बिनेशन के साथ लेंस फॉर्मूला भी काम करेगा, पहले एक लेंस पे कर रहे हैं, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे भी करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले कॉम्बिनेशन को कैसे ब्रेक करना है और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालनी है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई डाउट इसमें, आइडिया है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? जैसे एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब क्या निकालना है, यू कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर, एक कन्वेक्स लेंस है 4 डायोप्टर, टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव, और कितनी, 3 टाइम्स। तो रियल में एम नेगेटिव है, ये लेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, एक ही लेंस गिवन है, इसमें सिर्फ एक लेंस है जिसकी पावर कितनी गिवन है, 4 डायोप्टर, तो आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लें, रेसिप्रोकल करेंगे डायोप्टर का तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, फोकल लेंथ आ गई 25, और क्योंकि कन्वेक्स है तो पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। आपको इसमें यू निकालना है, आप लेंस की टेक्निक यूज करें, मैग्निफिकेशन जो है वो इसमें क्या आएगी, नेगेटिव, फोकल लेंथ की वैल्यू आपने निकाल ली और यहाँ से यू निकाल लेना। इसमें 2 लेंस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही लेंस है, और एक लेंस में वो फोकल लेंथ देने की बजाय डायोप्टर दे रहा है पावर चेक करने के लिए कि आप पावर से फोकल लेंथ निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। बहुत क्वेश्चन CBSE के अंदर ऐसे चलते हैं जिसमें वो बेसिकली, या कॉम्पिटिशन के अंदर आप देखेंगे, वो फोकल लेंथ नहीं देगा लेंस में, वो ज़्यादातर क्या देगा, डायोप्टर देगा, ताकि फोकल लेंथ रेसिप्रोकल से आप खुद निकाल लें। बाकी क्वेश्चन लेंस का ही है। जैसे ये क्वेश्चन देखें, फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस,
तो फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और पावर निकालनी है। विच वेन प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद कनकेव लेंस, अब दो लेंस है, एक कन्वेक्स है, उसके बारे में तो मुझे कुछ दिया नहीं, साथ में कॉम्बिनेशन कनकेव का है, कनकेव की फोकल लेंथ मुझे पता है 25 है, नेगेटिव होगी ये 25 है, और कॉम्बिनेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कि कनकेव का और कन्वेक्स का रियल इमेज बनाता है जिसकी मैग्निफिकेशन कितनी है 5 गिवन है, कॉम्बिनेशन बनाता है, और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 20, यू की वैल्यू -20 होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक लेंस कन्वेक्स है एक कनकेव है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ नहीं पता निकालनी है, कनकेव की पता है 25 है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नहीं पता, पर कॉम्बिनेशन की एक चीज पता है, यू की वैल्यू पता है -20, और कॉम्बिनेशन रियल इमेज बनाता है जिसकी मैग्निफिकेशन 5 है, और क्योंकि इमेज रियल है तो एम क्या होगा नेगेटिव, सही है, रियल के लिए एम क्या होगा नेगेटिव। तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो लेंस का, यू पुट करो -20, मैग्निफिकेशन पुट करो कितनी -5, सॉल्व करके एफ निकाल लेना, तो ये फोकल लेंथ किसकी आई कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई, लेकिन ये कॉम्बिनेशन किसका बना हुआ है कन्वेक्स का और कनकेव का, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, कन्वेक्स की मुझे निकालनी है, कनकेव की -25 गिवन है, सिंप्लीफाई करके एफ वन निकाल लेना, कन्वेक्स की फोकल लेंथ आ गई, और इसका रेसिप्रोकल 100 के साथ करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर है, तो क्या आएगी पावर की वैल्यू आएगी डायोप्टर में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के अंदर तो बहुत इजीली आता रहता है ऐसा, वो जानबूझ के एक लेंस की इन्फॉर्मेशन देगा नहीं दूसरे की दे देगा, और कॉम्बिनेशन की खुद निकालने को कहेगा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी कॉम्बिनेशन का कोई काम नहीं है, तो वैसे ही बस दिया हुआ है लेंस मेकर, पावर ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस गिवन है, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर 5 है, तो 5 डायोप्टर है, तो रेसिप्रोकल करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगी फोकल लेंथ 20 आ गई। क्वेश्चन है, इसको लिक्विड में इमर्स कर दिया, लिक्विड में डाल दिया, तो कन्वेक्स कैसे एक्ट कर रहा है डाइवर्जेंट कनकेव की तरह, और फोकल लेंथ जो आंसर आया कनकेव का उसकी फोकल लेंथ क्या आई 1, वो कनकेव बन गया, फोकल लेंथ 1 है। क्या निकालना है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, लिक्विड का निकालना है। हमने लेंस मेकर किया, लेंस मेकर में जब लिक्विड में लेंस डाला जाता है तो दो केस बनाने ही बनाने हैं, एक बार लेंस को एयर में रखना है, दूसरी बार किस में रखना है लिक्विड में। शुरू करें तो पहले एयर में रखते हैं, एयर में रखा, आपको फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पता है 20 सेंटीमीटर एयर में, तो तुमने यहाँ 20 पुट कर दिया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 पुट कर दिया, R1 R2 तुम्हें पता नहीं था, तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, सॉल्व करके तुमने 1/R1 -1/R2 निकाल दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, R1 R2 पता नहीं तो इसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरे केस में क्या किया, लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में फोकल लेंथ क्या होगी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, फॉर्मूला लगा लिया, इसे ब्रेक कर लिया, ग्लास नीचे तो ऊपर आ गया, लिक्विड ऊपर तो नीचे आ गया, तो ये टर्म आ गई। अब इसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, लिक्विड का निकालना है, 1/R1 1/R2 ये पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस कर दी, और क्योंकि ये लेंस डाइवर्जेंट है, यहाँ करेक्शन है, मैंने गलती से 1 लेकिन यहाँ 1 नहीं है -1 है, क्योंकि कन्वेक्स वो कह रहे हैं कैसे एक्ट करेगा डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब कनकेव एक्ट करेगा जिसकी फोकल लेंथ 1 है, तो मुझे यहाँ -1 पुट करना है। अब इसका आंसर सही आएगा 5/3, पर याद रखना उसने बोला कनकेव की तरह काम कर रहा है, तुम्हें यहाँ पर माइनस ही पुट करना पड़ेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे लेंस मेकर और डायोप्टर्स और फोकल लेंथ कैसे काम कर रही है, बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर है, सिंपल है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, शीट अपलोड करूँगा मैं गूगल ड्राइव पे, और जो इसका टेस्ट होगा नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइम, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, हर छोटे छोटे टॉपिक का टेस्ट तो होना ही है इसका, ठीक। नेक्स्ट है कंपाउंड लेंस, कंपाउंड लेंस का मतलब एक से ज़्यादा लेंस से बना हुआ लेंस कंपाउंड लेंस है, तो दो लेंस या तीन लेंस हो सकते हैं, तो दो लेंस हैं
उसे कंपाउंड लेंस बोलते हैं, इज मेड अप ऑफ टू लेंसेस, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। क्या निकालना है इसमें, एक ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यू की वैल्यू -30 है, साइज ऑफ द इमेज बताओ। जब भी तुम्हें साइज ऑफ द इमेज बतानी है तुम्हें सबसे पहले मैग्निफिकेशन चाहिए, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए तो मैग्निफिकेशन ही काम करेगी। तो इसके लिए काम करते हैं, पहले दोनों लेंस कंबाइन करके हम इक्विवेलेंट पावर निकालते हैं। तो दो लेंस की जगह एक लेंस में काम करते हैं, तो इसे ऐड किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट पावर ये आ गई, दोनों लेंस की नेट पावर 10 डायोप्टर आ गई। इसको रेसिप्रोकल लिया, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। वो कह रहे हैं इस लेंस के कॉम्बिनेशन के लिए U अगर -30 है, U गिवन है, एक ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा, तो U अगर -30 है, फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की 10 है, तो सबसे पहले तुमने क्या निकाली, मैग्निफिकेशन। तो यहां से सॉल्व करके मैग्निफिकेशन आ गई। और मैग्निफिकेशन होती क्या है, मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट तो पता है 3 है, तो हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगी -1.5। तो आइडिया सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। घर जाके करनी है ये शीट सारी, ये तो ये हिंट है, ये आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन देने हैं मेरे को, तो ये प्रैक्टिस करके आओगे। ये पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न है, ये पूरी एनसीईआरटी की शीट्स है सारी की सारी, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है और कॉम्पिटिशन के अंदर भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अंतर नहीं है इसमें ऑप्टिक्स के अंदर, नॉर्मल क्वेश्चन दिखेंगे आपको इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इंफिनिटी फॉल ऑन अ कन्वेक्स लेंस एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वो कह रहा है कि रेज जो है वो कहां से आ रही है, फ्रॉम इंफिनिटी, कन्वेक्स के ऊपर गिरी और ये मिल गई, मिलके जहां पर मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली 16 सेंटीमीटर के आगे बना है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, ठीक हो गया। व्हेन अ कनकेव लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, कनकेव रख दिया साथ में, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस कॉम्बिनेशन। तो वो क्या कह रहा है कि इंफिनिटी से ही रेज आ रही है और इस बार कॉम्बिनेशन में से जब पास किया, मतलब सेकेंड केस वो ये कह रहा है कि एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, फिर से रेज इनफाइनाइट पे आई लेकिन इस बार कहां पर मिली, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, तो 20 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है। तो देखो ना, अब आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पता है 20, आपको कन्वेक्स की फोकल लेंथ पता है 16, कह रहे कनकेव की क्या होगी, फॉर्मूला लगाओ यहां से सॉल्व करके जो आई वो कनकेव की होगी, क्योंकि 16 इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज हमेशा कहां पर बनती है, एट फोकल लेंथ, इसलिए 16, क्योंकि उसने बोला 16 पे मिली और कॉम्बिनेशन अगर लगाया तो 20 पे मिली, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा है, इसकी फोकल लेंथ। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, क्या लॉजिक है इसका? तो इस इन क्वेश्चन को आप एक बार, ये क्वेश्चन अभी 2 मिनट रुकते हैं, इसके लिए मेरे को एक अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाना है, एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है 10 ईयर में, मतलब ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है और ये आया हुआ है, आप PYQ मेंस का अंदर देखेंगे तो भी आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, आप नीट देखेंगे नीट के अंदर भी आया हुआ है, कोई एग्जामिनेशन ऐसा है नहीं जिसमें लेंस कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन नहीं आया, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बस जिसने ये कर लिया उसको लेंस कॉम्बिनेशन पक्का समझ में आ गया, ये इतना सही क्वेश्चन है। तो इसको देखने के लिए आप जरा एक मिनट जरा बुकलेट को ओपन करें,
ये रहा शीट नंबर, ओपन करें 29, शीट 29 को ओपन करें। बिल्कुल आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बार आया होगा कम से कम। इसको तो मतलब लेवल है बोर्ड का, आप ये ना समझें कि मतलब ऐसे ही बस चलते फिरते दो डेफिनेशन याद की और 90% ले आए, नहीं होता, मतलब ही नहीं है। आपको इतना लेवल समझना पड़ेगा और आसान है क्वेश्चन, कहानी लंबी है, अंदर क्वेश्चन समझाता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा सॉल्व। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एन इक्वी कन्वेक्स लेंस, फिगर गिवन होगी, एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है ठीक, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड आर ईच। तो कन्वेक्स लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वी कन्वेक्स है, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव गिवन है। इज पुट ऑन अ लिक्विड लेयर, किसी पानी के ऊपर लेंस को रख दिया गया, और ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर, और साथ में यहां पे क्या रख दिया, मिरर। ये रहा मिरर, ये रहा लिक्विड, और ये रहा कन्वेक्स लेंस, ठीक है यहां तक। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसा क्या बना रहे, ये रहा आपका पहला लेंस और ये रहा आपका पानी का बना हुआ लेंस, लिक्विड का बना हुआ लेंस। ये देखो मैं शेड कर रहा हूं, ये देखो, देख रहे हो लेंस कॉम्बिनेशन, कौन कौन से लेंस हैं, ये प्लेन है और ये कनकेव है, देखो ना ये जो फिगर बनेगी वो कनकेव जैसी बन रही है, ऐसी कनकेव है लिक्विड की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कनकेव लेंस, तो ये प्लेन और ये कनकेव, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, लिखा भी हुआ है इक्वी कन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन निकलेगा ये। तो पहली पहली स्टेटमेंट से ये फिगर क्लियर है, ये लेंस कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, पहचान में आ रहा है, इक्वी कन्वेक्स क्लियर है, प्लेनो कनकेव की पहचान हो गई। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस अंटिल इट्स इन्वर्टेड रियल इमेज कोइंसाइड विद द नीडल इटसेल्फ। मैंने एक नीडल को मूव करवाया और वहां पे रोका जब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, मैंने बना दिया डायग्राम, नीडल आ गई। अब वो कह रहे डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी ए, वो कह रहा है कि जब ये लिक्विड था और ये लेंस था तो ये जो नीडल की इमेज कोइंसाइड की तो ये दूरी कितनी थी, ए, ये दूरी ए थी। फिर वो कहता है ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर, पानी हटा दिया, अकेला कन्वेक्स रह गया। अब फिर से नीडल को मूव करवाया, जब फिर से नीडल को मूव करवाया तो दूरी कितनी आई, बी बी। तो पहले लेंस और वॉट लिक्विड है, ये डिस्टेंस कितना आया, ए, फिर अकेला लेंस है, लिक्विड हटा दिया, ये डिस्टेंस कितना आया, बी। सोचने वाली बात है ये ए और बी है क्या, क्या ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, क्या ये फोकल लेंथ है, पता नहीं। एंड में उसने मेंशन किया, गिवन दैट टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस जो आपने मेजर किया रिप्रेजेंट दी फोकल लेंथ, तो अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब वो हमें ए और बी क्या दे रहा है, फोकल लेंथ एंड में लिखा, पहले कंफ्यूज कर दिया ये और भी समझ में नहीं आ रहा, बाद में कहता है जी फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ है। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, पहले लेंस और लिक्विड था और डिस्टेंस क्या था, ए, तो मतलब तुम्हें दोनों लेंस की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ गिवन थी ए, बाद में लिक्विड हटा दिया, अकेला लेंस रह गया, फोकल लेंथ क्या है, बी, तो अकेले कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है, बी। पहले कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है ए, फिर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है बी, बस सारी कहानी में से यही लाइन समझ में आई है, बाकी बेकार है लाइनें, बस यही क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि फिर अगर तुम्हें ये बात पता लगी गई है तो बता दो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कॉम्बिनेशन इसका लिक्विड का, कुछ भी ना करना, यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें सारी कहानी पता ही है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट, इक्वी कन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कनकेव लेंस, और ये इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पे क्या थी, ए, ए, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या क्या थी, बी, तो प्लेनो कनकेव की क्या थी, निकाल लेते हैं,
प्लेनो कनकेव का मतलब 1 बाई एफ टू इज 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एफ वन. कॉम्बिनेशन की क्या थी ए, कन्वेक्स लेंस की क्या थी बी. सॉल्व करके फोकल लेंथ किसकी आ गई, प्लेनो कनकेव की आ गई. क्या ये लॉजिक क्लियर है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ आ गई, पर हमने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का. अब तुम एक काम करो, प्लेनो कनकेव लो और लेंस मेकर लगा दो. प्लेनो कनकेव का लेंस मेकर लगाया, प्लेनो कनकेव कनकेव की कैटेगरी का लेंस है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव आनी बनती है. और साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, पहला आर नेगेटिव, दूसरा आर प्लेन के लिए इन्फिनिटी, जानबूझ के नेगेटिव ताकि ओवरऑल फोकल लेंथ क्या रहे, नेगेटिव. सही है? और अगर प्लेनो कन्वेक्स होता तो मैंने क्या सिखाया था, ये आर पॉजिटिव, प्लेनो कनकेव में ये आर नेगेटिव. तो प्लेनो कनकेव में एक आर नेगेटिव, इन्फिनिटी दूसरा, म्यू निकालना है लिक्विड का और फोकल लेंथ तो हम निकाल ही चुके हैं. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके म्यू एल निकाल लेना, आंसर आएगा. आइडिया समझ में आया? तो आपने इसके बेस पे घर जाके ये क्वेश्चन ट्राई करना है. इस क्वेश्चन में ए और बी ने दिया 20 और 30 सेंटीमीटर दिया है, पर प्लीज फॉर्मूला में याद मत करना उसे, ए पुट कर दिया बी पुट कर दिया, फिर से सॉल्व करना, इसे खुद सॉल्व करना, तभी बात बनेगी. यहां पे सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है. कॉम्बिनेशन इक्वी कन्वेक्स प्लेनो कनकेव, फिर वही, क्योंकि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ गिवन है, इक्वी कन्वेक्स की गिवन है, तो किसकी आएगी, प्लेनो कनकेव की. फिर प्लेनो कनकेव के लिए लेंस मेकर लगाना और म्यू निकालना. मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा इसे, पर पहले खुद सारी शीट को ट्राई करना, पूरी शीट ट्राई करना, ताकि आपके हाथ से सारे न्यूमेरिकल निकलें. नहीं तो जो आज नहीं निकल रहे वो टेस्ट में तो 100% नहीं निकलेंगे. ठीक, प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई लाज नहीं है.